मदन मोहित हरिद्वार जी, सर क्या कहना चाहेंगे जो आर्ट्स का आपने प्रोग्राम का आयोजन किया है, वुमेन लीडरशिप समिट, कितना कारगर साबित हुआ है? वुमेन लीडरशिप समिट में जो हमारी टीम की वुमेन फोर्स है पूरा, और जो मेन फोर्स है, हम लोगों ने कई जो सक्सेसफुल चेंज मेकर्स थे अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने हेल्थ से लेके एजुकेशन से लेके इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो इन क्षेत्रों से अपने आप में जो एक नई पहचान बनाई है और जो सोसाइटी में लोगों के लिए काम कर रही है, उन सब महिलाओं का आज यहाँ पर एक कॉन्क्लेव था। सारी देश भर से लगभग 125-130 नामचीन हस्तियाँ आई, डॉक्टर किरण बेदी, रेखा शर्मा जी, ऑनरेबल गवर्नर दीपा मलिक जी का संबोधन रहा, और हम लोगों ने इसी मौके पर अपना प्रोडक्ट लॉन्च भी किया है। शुभेन जी उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, क्या प्रोडक्ट है हमारा ये? सर आज क्या कहना चाहेंगे आज जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ इसके बारे में? शीविंग्स सैनिटरी पैड, जो ये माइनर फ्रेंडली सैनिटरी पैड है, और आज तक हम मतलब लेडीज 40 साल की लेडीज और एक 13 साल की बच्ची, दोनों जब अलग फेस क्रीम यूज़ करते हैं तो अलग सैनिटरी नैपकिन क्यों नहीं? ये बहुत बड़ा मुद्दा था हम लोगों का। हम पिछले 3 साल से इसके रिसर्च पे लगे हुए थे और फाइनली हमने एक ऐसा सॉल्यूशन पा लिया है, और अब हम 100% इंडियाज फर्स्ट माइनर फ्रेंडली पैड, जो 100% कॉटन से बना हुआ है टॉप शीट जिसकी, सो अब हम वो लॉन्च कर चुके हैं, और लेट्स होप अच्छा जाएगा, अच्छा ही जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, हम 40% इसकी जो शीविंग सैनिटरी पैड है, इसका 40% शीविंग फाउंडेशन को चैरिटी के लिए जाएगा। हम 10 साल से लाखों वुमेन्स, अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स, फीमेल्स की हेल्प करते आए हैं, और अब जो इससे 40% आएगा इसके प्रॉफिट से, उस पर भी हम लोग और देश के निचले वर्ग में और ज़्यादा बढ़ेंगे। अभी तक हमने नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया, हम साउथ इंडिया की तरफ बढ़ेंगे, और वहाँ पे भी फीमेल्स की हेल्थ एंड हाइजीन के रिगार्डिंग, हेल्थ एंड हाइजीन मैनेजमेंट को लेकर पे वर्क करेंगे। और इस प्रोडक्ट के बारे में आपको फर्दर हमारी टीम की ये है गुरवानी मैम, ये आपको बताएंगी अच्छे से कि इस प्रोडक्ट के फ़ायदे क्या हैं, ये प्रोडक्ट क्यों ज़रूरी है, इन सब चीज़ों पर गुरवानी मैम आपसे बात करेंगे। गुरवानी तो जैसे कि सर ने बताया, एक 45 ईयर ओल्ड लेडी और एक 12 ईयर ओल्ड, 13 ईयर ओल्ड गर्ल अगर सेम फेस क्रीम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि स्किन डिफरेंट है, राइट, हम कहते हैं बहुत सेंसिटिव है, देन वाई नॉट डाउन देयर, जो आपकी वो स्किन है वो भी तो बहुत सेंसिटिव है, राइट, तो उसके लिए सेम प्रोडक्ट्स क्यों? सो दैट इज़ द क्वेश्चन जिसने हमें मोटिवेट किया था, लेट्स सी वट कैन बी डन, क्या कर सकते हैं। तो वी क्यूरेटेड दिस प्रोडक्ट विच इज़ एक्चुअली टू गुड फॉर सेंसिटिव स्किन, राइट, एंड सबसे सेंसिटिव स्किन किसकी होती है? माइनर्स की होती है। सो इट इज़ स्पेशली क्यूरेटेड फॉर सेंसिटिव स्किन, दैट इज़ फॉर माइनर्स, एंड इट कैन बी यूज बाई एवरी वन। आप एक बेबी क्रीम देखते हैं तो उसको देख के आपके मन में आता है, ठीक है बेबीज़ के लिए अच्छी है तो मेरे लिए तो अच्छी हो गई, राइट, सो दैट्स द सेम एजेंडा, माइनर्स के लिए स्पेशली क्यूरेटेड है एंड सूटेबल फॉर ऑल ऑफ अस। आपने टेस्ट भी किया है तो आपको डिफरेंस पता चला है? ऑफ कोर्स। सो एक चीज़ बताती हूँ, सो आप एक प्लास्टिक ले लीजिए, कुछ भी एक लूफा ले लीजिए, चाहे जैसे हम नहाते हैं, सो यू स्क्रब है, राइट, आपको हार्श लगेगा बट ठीक है, पता चलता है, देन यू रब कॉटन, थोड़े से उसके थ्रेड निकलेंगे, कुछ थोड़ा अजीब सा भी लगेगा, बट यू नो इट इज़ गुड फॉर योर स्किन। और लूफा लगाने के बाद आपको पता है दैट यू मे हैव यू नो रैशेज समथिंग, बट लाइक ठीक है, यूज़ करना है उसको बिकॉज इट इज़ चीपर, बिकॉज इट इज़ समथिंग एल्स, इफ वी आर पॉजिटिव देन देर इज समथिंग दैट वी आर गेटिंग, दैट इज कॉटन। सो 100% कॉटन इज समथिंग जो आप इस पैड को देखेंगे, जब आप उस पैड को भी रब करके देखेंगे आपको हल्का हल्का थ्रेडी दिखेगा, दिस इज प्रूफ दैट इट इज 100% कॉटन, राइट। सो उसको देख के एक अच्छा फील एटलीस्ट आता है दैट वट यू आर यूजिंग, अब आपको पता है, पहले हमको पता नहीं होता था, वी आर जस्ट यूजिंग अ पैड, अब हमें पता है वट वी आर यूजिंग, सो दैट्स वट वी हैव। सुचिता मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये वही बोलना चाहूँगी कि ये एक्चुअली बच्चे जब बॉर्न होता है तो उसका जो स्किन होता है एक्चुअली हम उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ शुरू करते हैं, है ना। तो अभी एक लड़की जब वो ग्रो होने लगती है, मतलब वो लेडी होती रहती है, तो सब स्टार्टिंग में हम उसको अच्छा ही देना चाहेंगे, तो इसके लिए सिविंग सिक्स बेटर, क्योंकि 100% थैंक यू सो मच, थैंक यू।